बिंद्रा जैसे निकम्मे लोग इस धरती पे पैदा हुए हैं, नासूर ये जो कहते हैं कि सुधर अगर वहां जाएगा, अछूत अगर वहां जाएगा। अबे बेईमानो, पेड़ पौधों में होती है जातियां, ऊंच नीच और जानवरों में होती है। उसी रास्ते से आप आए थे, उसी रास्ते से हम आए थे, लेकिन तुमने हमारे को पढ़ने नहीं दिया, तुमने हमारे रास्ते रोके। ब्राह्मणवादी सोच का जो व्यक्ति होगा वो कितना नीचे तक गिर सकता है ये बिंद्रा ने बताया है। दो दो उसकी बीवी हैं, और दूसरी बीवी जो अपने परिवार को सेट नहीं रख सकता, परिवार के अंदर एक भाईचारा कायम नहीं कर सकता, वो ऐसे निकम्मे लोग जो हैं बाहर आके ज्ञान देने का काम करते हैं। हम उनको पूछना चाहते हैं कि आपने किस बिहाव पे ये बात कही है। हम बिल्कुल इस चीज को नहीं मानते। हम इस भारत देश के अंदर संवैधानिक तरीके से अपने आप को, अपने बाप को अंबेडकर उनकी बात को मानते हैं कि सबसे ज्यादा अगर कोई ज्ञानी ध्यानी है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है, और पूरे इस भारत देश का संविधान लिख क्या, और हमारे जितने महापुरुषों के वो तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं होता। देखिए मूर्ख लोग हैं और मूर्खता से ही उनके घर बार चलते हैं। झूठ बोलने से, लोगों को पाखंड में रखने से उनके बच्चों को शिक्षा मिलती है, रोजगार मिलता है। ये पूरे देश के लोग इस बात को समझ लें। अगर वो ऐसे ऐसे काल्पनिक बात नहीं कहेंगे, बराबर की बात नहीं कहेंगे, छुआछात की बात कहेंगे, तो जब भी तो उनकी दुकानदारी चलेगी ना। उन्होंने यही OBC को SC का माइनॉरिटी का जो भाईचारा बन रहा है उसको विखंडन कैसे किया जाए। एक बिंद्रा ने इतिहास नहीं पढ़ा, वो शासक की बात कर रहा। बहन जी ने कितना अच्छा शासक चलाया। वो इतिहास नहीं पढ़ते ना, वो नहीं पढ़ते ना। वो तो जो निकम्मे जो लोग हैं, जो ब्राह्मणवाद की चपेट में आए हुए लोग हैं, उनको शिकार बनाते हैं, और वो शिकार बना भी लेते हैं, और लोग शिकार बन भी जाते हैं। सवाल ये आ रहा है कि ऐसे लोगों से बचना चाहिए। बहुजन समाज के लोग हैं, OBC समाज के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के जो तो लोग हैं, इलाज क्या है विवेक बिंद्रा जैसे लोगों का? उनका इलाज यही है, जहां भी मिले तमाम OBC के लोगों को, तमाम SC के लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों का, ऐसे लोगों को इलाज करना चाहिए। जूता लेके पीछे उसके पड़े, ताकि ऐसे निकम्मे लोगों को पता चले कि शूद्रों को राजनीतिक में जाने से क्या नुकसान है, क्या फायदा है। ये तो हमारे बाप की देन है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, और यहाँ पे सारे के सारे तुम्हारा ये पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं, और पहली पार्लियामेंट के अंदर ही इन्होंने नीति नियम ब्राह्मण ही बनाएगा, लड़ाई क्षत्रिय लड़ेगा। यही है समस्या, यही है, यही है समस्या, सेवा करेगा, यही समस्या है। भारत देश के लोग अगर OBC के लोगों को ये पाखंडवाद से अगर फुर्सत मिल जाए, क्योंकि ऐसे पाखंडी जो है, जो पूरे देश के अंदर ऐसे धर्म के नाम पे कभी भारत देश को हिंदुस्तान बनाने का बात करते हैं, कभी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इन्होंने कोई और काम नहीं होता, जो ढकोसलों के अंदर देश को बर्बाद करने का इनका काम। 85% आबादी का अपमान है ना। देखिए 85% लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि ये 3% जो चुटियाधारी, जनेऊधारी, तिलकधारी और ये झूठे बेईमान मक्कार जो लोग हैं, इनसे उभरना पड़ेगा। इनकी बातों को ना माने, ताकि इस देश के अंदर हम कहीं ना कहीं जो हमने खोया है, जो बाबा साहब अंबेडकर ने दिया, ज्योतिबा फुले ने दिया, रामास्वामी पेरियार ने दिया, ललन सिंह यादव ने दिया, माता सावित्रीबाई फुले ने दिया, और अलियाबाई होलकर और फातिमा शेख जैसी क्रांतिकारी महिलाओं ने इस देश के अंदर आम जन को अपने हक अधिकार के लिए सचेत किया था। लेकिन ये ऐसे बिंद्रा जैसे निकम्मे लोग इस धरती पर पैदा हुए हैं, नासूर ये जो कहते हैं कि शूद्र अगर वहाँ जाएगा, अछूत अगर वहाँ जाएगा। अबे बेईमानो, पेड़ पौधों में होती है जातियां, ऊंच नीच और जानवरों में होती है। उसी रास्ते से आप आए थे, उसी रास्ते से हम आए थे, लेकिन तुमने हमारे को पढ़ने नहीं दिया, तुमने हमारे रास्ते रोके, और आज आप लोगों ने उससे भी बड़ा षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हो। तमाम लोगों को आप कह रहे हो 22 जनवरी को चलो अयोध्या। हमने अयोध्या जाने की जरूरत नहीं है। बिंद्रा जैसे नालायकों को ये बात बता देना चाहिए, OBC के लोगों ने, जो वहां जाएगा,
जो 22 जनवरी को अयोध्या जाएगा, एक बार सुरेंद्र बघेल का इतिहास जान ले। वही सुरेंद्र बघेल था जो बाबरी मस्जिद की ईंट उठा के लेके आया था, आज 16,000 रुपए में गोबर उठाता हुआ घूम रहा है। अगर अपनी औलादों को, ओबीसी के लोगों, अगर आपने पढ़ाना लिखाना है तो एक काल्पनिक जो ब्राह्मणवादी जो सिस्टम है इसको त्याग देना और अपने महापुरुषों का इतिहास पढ़ लेना, अन्यथा आप देख लेना आपके बच्चे जो ओबीसी का अभी ताजा ताजा इतिहास आपको बता देते हैं, ये नू दंगे हुए थे तो क्या हुआ, बिट्टू बजरंगी को क्या बनाया आतंकवादी, और मोनू मानेसर को क्या बनाया आतंकवादी। अगर ना पढ़ोगे और ना अपने बहुजनों का इतिहास जानोगे, ये नीलम को देख लो, अभी जो पार्लियामेंट के बाहर नारे लगाए जय भीम इनकलाब जिंदाबाद, ये नारे जो लगाए गए थे उससे साफ संदेश था कि भारत देश के लोगों को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, लेकिन हुआ क्या? तो क्या बहुजनों में बाहुबली नहीं है, ज्ञान वाले लोग नहीं है, बुद्धिजीवी नहीं है, क्या व्यापार करने वाले, बिजनेस करने वाले लोग नहीं है, या सेवा ही सेवा करने वाले लोग हैं? देखिए, जो आपने कहा व्यापार करने वाले बुद्धिजीव हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए बाबा साहब के मूवमेंट का फायदा लेकर के, और जो दलाल भड़वों की जो पार्टियां हैं उन दलों में जा करके समाज को मारने का काम कर रहे हैं, बेचने का काम कर रहे हैं। बिंद्रा बड़ व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। अरे ऐसे क्या व्यवस्था लागू करेंगे देश के अंदर? इस देश के अंदर अभी बहुजन समाज के शेर जिंदा हैं, अभी बहुजन समाज जिंदा है। अगर वो ऐसी हरकतें करेंगे, क्योंकि समय समय पे ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री, ऐसे बिंद्रा, ऐसे पात्रा सात्रा दुनिया भर के आते रहते हैं, लेकिन उनका इलाज ये की होता है, उनको देख लो आज वो कहां की मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मानसिक संतुलन खराब है, और ऐसे व्यक्ति का जूतों से इलाज होना चाहिए, डॉक्टरों से इलाज नहीं होता, ऐसे का जूतों से इलाज होता है। और जब बहुजन समाज के जूते पड़ेंगे ना, तो अच्छे अच्छों की अकल ठिकाने आई है, इसकी तो औकात और हैसियत क्या है? देखिए, इस तरह के जो बिंद्रा जैसे बहुत से लोग समय समय पे आरएसएस की, बीजेपी की जो शाखाएं हैं उनसे निकलते रहते हैं, और इससे कोई भी बहुजन समाज को विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, सामना करने की ज़रूरत है, ताकि ऐसे लोगों को समय पर सबक सिखाया जाए। बहुजनों एक हो जाओ और ऐसे लोगों को सबक सिखाओ, ये नारा मान्यवर कांशीराम ने भी दिया था, और तमाम जितने बहुजन जो आंदोलनकारी हुए और आज के भी जितने वक्ता हैं वो भी यही बात कह रहे हैं। देखिए, समझना पड़ेगा ये क्यों कहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये नहीं चाहते कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारत देश के जो वंचित समाज के जो लोग थे उनको कुछ राजनीतिक में, कुछ शिक्षा के अंदर आरक्षण मिला था, जो संसाधन मिले थे उसकी बदौलत हम 10 कदम आगे बढ़े हैं, लेकिन आज उसी को देखते हुए तमाम शाखाओं से जो निकले हुए लोग हैं उनका एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से आज बहुजन मूवमेंट जो आगे बढ़ रहा है किसी ना किसी तरीके से उसको रोका जाए। और ये 100% सही भी है, बीजेपी ने इतना जो बहुजन समाज के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है, यही संदेश देता है बिंद्रा का कि ये जो लोग हैं जो हमारे साथ कनेक्टेड हो गए हैं वो तो ठीक है, और बाकी जो निडर जो लोग हैं वो और किसी तरीके का डर बिंद्रा को इतिहास पता नहीं है क्या? देखिए, इतिहास साहब से ज्यादा इंटेलेक्चुअल हुआ है क्या कोई भारत में? देखिए, भारत में नहीं है, लेकिन वही है ना।